टीवी इंडस्ट्री की ऐसी कई खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को अपने हस्बैंड, पति और उनके पिता का सरनेम दिया है, जिनकी वजह से उन एक्ट्रेसेस के बच्चों को पहचाना जाता है। लेकिन दोस्तों, वहीं टीवी इंडस्ट्री में ऐसी भी कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को पिता का नाम नहीं दिया है, जिसके चलते उन एक्ट्रेसेस के बच्चों को उनका ही सरनेम मिला है। तो इसीलिए आज हम आपको टीवी इंडस्ट्री के उन एक्ट्रेसेस से रूबरू कराने वाले हैं, जिन्होंने नहीं दिया अपने बच्चों को पिता का नाम। तो चलिए जानते हैं उन्हीं के बारे में। नंबर एक पर है श्वेता तिवारी। टीवी इंडस्ट्री की गॉर्जियस अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने एक नहीं बल्कि दो दो शादियां की हैं और इनकी दोनों ही शादियां नहीं चल पाईं। आपको बता दें कि सबसे पहले श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी से शादी की थी, जिससे इन्हें एक खूबसूरत बेटी पलक है, और जिनसे इन्होंने दूसरी शादी की यानी कि अभिनव कोहली से इन्हें एक बेटा है रियाश, जिनसे ये बहुत प्यार करती है और जिन्हें इन्होंने अपने पति के नाम के बजाय अपना सरनेम दिया है। नंबर दो पर है उर्वशी ढोलकिया। टीवी में अपने कमोलिका वाले अवतार से फेमस हुई अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया महज 17 साल की उम्र में शादीशुदा हो गई थी और 18 साल की उम्र में ही ये दो जुड़वा बेटों की मां बन गई थी। आपको बता दें कि इनके बेटों का नाम क्षितिज और सागर है, जिन्हें इन्होंने इनके पिता के सरनेम के बजाय अपना सरनेम ढोलकिया दिया है, जिसके चलते आज इनके दोनों बेटों को क्षितिज ढोलकिया और सागर ढोलकिया के रूप में जाना जाता है। नंबर तीन पर है नीना गुप्ता। आज बॉलीवुड में अपने दमदार एक्टिंग की बदौलत अपनी अलग पहचान बना रही अभिनेत्री नीना गुप्ता टीवी पर काफी काम कर चुकी हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये हमें सोनपरी और दिल से दिया वचन जैसे कई सीरियल में नजर आ चुकी हैं, जिनके बारे में आपको बता दें कि ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर विवियन रिचार्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थे, जिनसे इन्होंने बिना शादी के एक बेटी मसावा हुई, पर उस समय विवियन रिचार्ड्स पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके चलते नीना गुप्ता ने मसाबा को अपना ही सरनेम दिया और उन्हें एक सिंगल मदर के तौर पर पाल पोस कर बड़ा किया। यही वजह है कि आज मसाबा को इनकी मां नीना गुप्ता के सरनेम की बदौलत जाना जाता है और आज मसाबा गुप्ता एक जानी मानी हस्ती भी हैं। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन सेल्फ डिपेंडेंट एक्ट्रेसेस के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।